के पास संबित पात्रा के लिए सवाल है ठीक है आइए आप आइए जल्दी आइए के साथ अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है एक सवाल भी हो जाएगा और कोई नहीं सवाल पूछेगा संबित पात्रा से नहीं, नहीं लोग जानते हैं ना लोग हकीकत जानते हैं मोदी जी ने वादा किया था कि दो करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा उन्हें नौकरियां मिलेगी तो अभी तक तो मिली नहीं है दो करोड़ लोगों को तो क्या हम श्योर हो सकते हैं अगर आगे जाके मोदी जी की सरकार खड़ी होगी तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमें मिलेगी नौकरियां बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा दोनों को मिला के देता हूँ आप तो वादा मांग रही है वादा देने में तो सब मास्टर है वादा देते हैं जैसा आप देते सब दे देने कुछ में जवाब दे सकता हूँ देखिए हमारे जवाब देखिए अंजना जी कल मैंने राहुल जी के पूरे भाषण को सुना आपने देखा वहां उन्होंने क्या किया क्योंकि जो युवक ने सवाल पूछा कि क्यों जाके इंसल्ट करते हैं चाइना 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 उन्होंने कहा चाइना से बढ़िया कुछ नहीं पचास हजार नौकरी प्रति प्रति चौबीस घंटे चाइना देती है हम फोर फिफ्टी देते डाटा कहाँ से आता है पता नहीं जबकि डाटा पार्लियामेंट में रखा गया था वो विश्वास नहीं करते एक बड़ी बात आपने याद होगा जब यूपी का इलेक्शन हुआ था तो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत में सब कुछ मैन्युफैक्चर हो आम एक आम दिखाया था और कहा था कि मेड इन लखनऊ आम भी हो वो मेड इन लखनऊ आम कैसे होता है मुझे नहीं पता फिर फिर उन्होंने फिर बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कहा था कि एक पतीला ऐसा बने सुन मैं कंप्लीट कंप्लीट कर कर प्लीज एक पतीला ऐसा बने वो मेड इन यूपी पतीला हो और जब ओसामा ओबामा जी की पत्नी मिशेल ओबामा अमेरिका में रसोई कर रही होंगी व्हाइट हाउस में तो देखेंगे आ मेड इन यूपी वो कितनी खुश जाएगी आपको ये तो था ये तो, तो था